हेलो गाइस, नॉलेज प्रोवाइडर चैनल से मैं अनुराग जी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपके पहले इतिहास के पहले भाग का आखिरी चैप्टर है ये। इसका नाम है विचार विश्वास और इमारती सांस्कृतिक विकास 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो ये जो है आपका 12th के हिस्ट्री का जो है पहले भाग का लास्ट चैप्टर है। जैसा कि मैंने बोला, इसके ऑब्जेक्टिव्स को आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के दूसरे भाग के बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो है इतिहास के आपके इतिहास के तीसरे भाग के बारे में भी चर्चा करेंगे, और फिर जो है हम लोग सब्जेक्टिव की ओर मूव करेंगे जैसा कि वादा है अपना। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और लास्ट में जो है आज कुछ नए इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देने वाला हूँ जो कि बिहार बोर्ड से संबंधित है, तो बने रहिए। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो श्वेतांबर संस्थापक का जो संस्थापक था वो स्थूलभद्र था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उज्जैनी का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। उसके बाद जो है न्याय दर्शन को प्रचलित किसने किया था? तो क्या न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचलित किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे? तो वे जो है कुशीनगर में जो है अपना महापरिनिर्वाण किए थे, और यहाँ पे जो है उन्होंने अपना देहावसान कर दिया था। और दोस्तों, इस क्वेश्चन को VVI मानिए, क्योंकि कभी कभी जो है सीधे पूछ लेगा कि महाबुद्ध गौतम बुद्ध के देहावसान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है, याद रखिएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका है? तो त्रिपिटक ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। और ये जो है आपका त्रिपिटक जो है बौद्धों से संबंधित है। अभी तो इजी लग रहा है, पर जब सब धर्म आएंगे ना एक साथ तो उस समय हार्ड हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये जो है धर्मपाल ने किए थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल किए थे, याद रखिएगा। उसके बाद है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी, राजगृह, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है सबसे पहले सारनाथ गए और वहीं पर उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर को कहा जाता है, ठीक है, महावीर स्वामी को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ये अपने महावीर स्वामी हैं, ठीक है। चलिए, कन्फ्यूज मत करिएगा, क्योंकि यहीं पे बच्चा जो है कन्फ्यूज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली जैन सभा कहाँ पर हुई थी? तो पहली जैन सभा जो है पाटलिपुत्रा में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो हैं आपके, 24वें तो महावीर स्वामी थे, 23वें आपके पार्श्वनाथ थे, ठीक है। चलिए जैन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है, अभी मैंने बताया। और ये जो VVI है महावीर स्वामी के बारे में जरूर जानिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, क्योंकि अपने लिए वही मोटिवेशन होता है। और प्लीज़ चैनल शेयर करो, इतनी मेहनत करते हैं, शेयर कर दो यार। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, शिल्प वेद किसका उपवेद है? तो शिल्प वेद जो है आपका जो है अथर्ववेद का, ठीक है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो जादू टोना से, ठीक है, याद रखिएगा। तंत्र मंत्र जो है अथर्ववेद। उसके बाद वेदांग कितने हैं? तो वेदांग जो है आपके हो जाएंगे 6, ठीक है। और वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं और वेदांग 6 हैं, याद रखिएगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 होती है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ लगातार 17 दिन तक चलता रहता है? तो कौन सा यज्ञ लगातार 17 दिन चलता रहता है? तो वाजपेय यज्ञ, ठीक है। वाजपेय यज्ञ जो है 17 दिन लगातार चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अजित केश कंबल का निम्न में से किससे संबंध था? तो अजित केश कंबल का संबंध जो है लोकायत से था। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक ने संलेखना विधि से मृत्यु का वर्णन किया था? तो ये जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, ये संलेखना विधि से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उसके बाद है, संलेखना विधि जैन धर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए,
और संलेखना विधि में जो है आपको भूखे प्यासे रहकर जो है अपने देह का त्याग करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के महाव्रतों की संख्या कितनी होती है? तो जैन धर्म में महाव्रतों की संख्या जो है 5 होती है, ठीक है। उसके बाद चलिए, 5 कौन कौन से थे? अस्त्य, ठीक है। उसके बाद क्या थे? अप्रिग्रह। उसके बाद क्या था? ब्रह्मचारी, ठीक है। और इस तरह से जो है पांचों जो है, पांच जो है महाव्रत थे जिसका पालन करना होता था। उसके बाद नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो पार्श्वनाथ के अनुयायी जो है श्वेतांबर कहलाते थे। उसके बाद है, अशोक सम्राट के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में जो है तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। उसके बाद है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बताए, तीन जो है प्रथम तीन जो जितने भी बौद्ध संगीति हुई उसके अध्यक्ष, ठीक है, उसके अध्यक्ष और किसके शासनकाल में हुआ था, मतलब राजा, ठीक है, राजा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ और ईस्वी सन भी, ठीक है, ईस्वी सन, ये तीन चार मतलब 9-10 प्रश्न बनेंगे इस तीन बौद्ध संगीति से। इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये जो है ना सुपर VVI है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो इसको जो है याद कर ही लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अस्तूप का अर्थ क्या है? तो अस्तूप का अर्थ जो है टीला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महावीर स्वामी ने जैन धर्म में कौन सा सिद्धांत जोड़ा? तो जैन धर्म में जो है अहिंसा वाला सिद्धांत जोड़ा। उसके बाद देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने किया था? तो धम्म जो है आपको पता है शुरुआत अशोक ने किए थे, ठीक है, भेरी घोष कोटा धम्म घोष का शुरुआत किए थे, ठीक है। और धम्म से पहले क्या चलता था? तो धम्म से पहले भेरी घोष, ठीक है, भेरी घोष। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ आज का। और दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ कि अब जो है बिहार बोर्ड में, ठीक है, अगर जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर सही आंसर लिखोगे तो पहले क्या होता था, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 में 4 या 3 दे के छोड़ देते थे टीचर। लेकिन अब जो है आपके बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर साहब, ठीक है, उन्होंने मतलब ये क्लियर कर दिया है कि अगर विद्यार्थी सही आंसर लिखता है तो 5 में से 5 मार्क्स मिलना है, ठीक है। और मैथ्स में तो गलती बिल्कुल मत करना मैथ में, ठीक है, क्योंकि अब जो है अगर सिर्फ फार्मूला भी सही लिख के आते हो, फार्मूला से भी सही लिख के आते हो, तो फार्मूला सही लिखने का मार्क्स तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। तो लिखने में कोई कमी मत करिएगा, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।